नमस्कार, मैं हूं नूतन और आप देख रहे हैं डेल 99। बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में छठ का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जहां एक ओर महिलाएं पूरे रीति रिवाजों सहित पारंपरिक तौर से इस पर्व को मना रही हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार में इसका एक खास अंदाज देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच राजधानी पटना में बिहार के दो शीर्ष नेताओं के घर काफी अलग अलग माहौल देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर सीएम नीतीश के घर छठ के लिए काफी रौनक देखने को मिल रही है, वहीं लालू प्रसाद यादव के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कभी बिहार की सत्ता का शीर्ष रहे लालू प्रसाद यादव का परिवार इन दिनों काफी परेशानियों का सामना कर रहा है। जहां एक ओर लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला के मामले में रांची के एक जेल में सजा काट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बेटे तेज प्रताप यादव और बहू ऐश्वर्या का टूटता रिश्ता पूरे परिवार की चिंता का विषय बना हुआ है। और ऐसे में लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने खराब सेहत का हवाला देते हुए छठ पूजा में हिस्सा न लेने की बात कही है। परिवार के एक करीबी सूत्र की माने तो इस बीच तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या के टूटते रिश्ते से इस परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी इस बार छठ में हिस्सा नहीं लेंगी। हर बार राबड़ी देवी काफी तौर तरीकों पारंपरिक तरीकों से छठ का पर्व मनाती थी, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव के घर किसी भी तरह की कोई भी गतिविधियां छठ को लेकर नहीं देखी जा रही हैं और उनके घर छठ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और वहीं नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार का परिवार काफी तौर तरीकों से छठ का पर्व मना रहा है। वहां मेहमानों का आना जाना लगातार बना हुआ है। नीतीश कुमार प्रसाद बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं और मेहमानों को छठ पर्व की बधाइयां भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें डेल 99।